नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। राजधानी पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। आए दिन हत्या, चोरी व डकैती होने से लोगों में पुलिस के प्रति खासा आक्रोश है। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के चैनपुर इलाके का है, जहां बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि 5 की संख्या में रहे बदमाशों ने अमित कुमार नामक व्यक्ति के घर में दाखिल हुए और चाकू के नोक पर महिला को बंधक बनाकर नगद रुपए व जेवरात की लूट कर चलते बने। इस दौरान बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट भी की, जिससे महिला घायल हो गई। वहीं घायल महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं पीड़ित व्यक्ति के अमित कुमार ने बताया कि बदमाशों ने चाकू के नोक पर घर में मौजूद महिला को बंधक बनाकर घर में रखे करीब 80,000 से 85,000 रुपए नगद व सोने की जेवरात लूटकर फरार हो गए हैं। वहीं बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट भी की है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। क्या घटना घटी थी सर? यहाँ लगभग 10:30 से 11 के बीच में मेरे माता पिता घर पे कोई नहीं थे और छोटा भाई दुकान गया हुआ था। इस दर बीच में 5 कोई बाहरी लोग घर में घुसे, मेरी पत्नी के को डायरेक्ट मुंह बांध दिए, पैर हाथ बांध दिए और उसके बाद उनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट किए। उनका गला भी दबाया गया था कपड़े से और छुरी दिखा के, चाकू दिखा के बोला कि अगर हल्ला करोगी तो तुमको भी मार देंगे और तुम्हारे घर में जो है उसको भी मार देंगे। उसको मारा और फिर गोदरेज उसका चाबी पता किया, गोदरेज खुलवा के जो भी सोना का जेवरात वगैरह था वो लूटपाट के ले गया। उसके नगद में सर वही 80,000 से 85,000 रुपए के बीच में थे। पुलिस को सूचना दिए? जी सर, पुलिस को सूचना दिए, यहाँ के थाना प्रभारी और DSP साहब भी आए, लेकिन सर आए कुछ छानबीन किए लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं मिल पा रहा सर। पत्नी का इलाज कहाँ चल रहा है? पत्नी का इलाज अभी गंगा जल हॉस्पिटल में ये मुसल्लापुर बाजार समिति के पास चल रहा है सर। घायल? जी सर घायल अवस्था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार। पिता का नाम? मनोज प्रसाद मेहता। पता चैनपुरा पटना सिटी। क्या सूचना मिली थी सर? अचला कुमारी ने फोन किया था कि उनके साथ है घर में घुस करके कुछ लोगों ने मारपीट किया है और उनके गोदरेज खोल करके गहना और पैसा ले गए हैं, तो उनके लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला अनुसंधान का विषय है। कितने लोग घर में उनका कहना है ये 3-4 व्यक्ति घुसे थे। हथियार नहीं था उनका, कहना था जो एक चाकू लेकर के वो हमारे गर्दन पर लगाया था, कोर हाथ बांधने को बांध दिया था। बगल में उनका पति सोया हुआ था, लेकिन पति के साथ अपराधियों ने या लोगों ने कुछ नहीं किया तो मामला क्या लग रहा है सर? दिन दहाड़े बर्दात की बात? बर्दात हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जो अगर घटना होगी तो पकड़ा जाएगा। मामला दर्ज कर लिया गया। घायल पत्नी घायल अस्पताल? उन पत्नी के द्वारा, पत्नी तो घर पर थी लेकिन हम लोगों ने भी मानवता के आधार पर बताया जो कि आप जा करके ट्रीटमेंट करा लीजिए, दिखवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लीजिए। कहाँ पर घटना घटी है सर? घटना ये बगल में गली नुमा घर है इलाका, और इलाका चैनपुर है।